अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शफाकत अली। आप देख रहे हैं शफाकत टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीका लैब को यूज़ करके एआई वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, पीका लैब की डिफरेंट कमांड को किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर हम इमेजेस को ऐड करके उसे एनिमेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा और यहाँ पर आके हमने एक वेबसाइट सर्च करनी है, वो है पीका लैब्स के नेम से। तो यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पीका लैब्स। तो मैंने यहाँ पर इंटर किया पीका लैब्स। इंटर करने के बाद आपके पास गूगल में डिफरेंट जो वेबसाइट हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली वेबसाइट पीका लैब्स के नेम से है। यहाँ पे आपने होम पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। आपने थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास बटन शो हो रहा है ज्वाइन बीटा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट जो पीका लैब्स की जो ऑफिशियल लाइब्रेरी है वो डिस्कॉर्ड में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम इंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख के थोड़ा सा यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा इंटर करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो पिक्चर्स हैं सेलेक्ट करनी है। तो आप ऊपर से पढ़ सकते हैं कि कौन सी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ राइट साइड पे जो तीन इमेजेस हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होगी, तो तब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिस्कॉर्ड में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी हम इसके लिए वेट करते हैं जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से कोई भी डेट ऑफ बर्थ रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करना है, तो मैं जल्दी से अपना गूगल ईमेल जो है वो इंटर करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी पासवर्ड इंटर करना है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लेम अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ईमेल ओपन करना है, तो यहाँ पे मुझे क्योंकि वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पे मैं उसे ओपन कर लेता हूँ जीमेल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो मैं क्रोम यूज़ करूँगा, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इनसे इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ हमारा ईमेल जो है हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा बाई ईमेल। तो यहाँ पे मैं आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं कोई भी यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जल्दी से चूज़ करें और उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। तो ले जी, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है पीका लैब के नेम से। तो देखें अभी ये डिस्कॉर्ड में जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो चुकी है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं जनरेशन के नेम से, जो जनरेट वन, जनरेट टू, जनरेट थ्री। तो आपने किसी एक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट पीपल जो मुख्तलिफ लोग हैं वो यहाँ पर हमारी जो वीडियोज़ जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कमांड्स के नेम से जो हमें कमांड्स इंटर की गई हैं उसके लिहाज से वीडियोस जनरेट की हुई हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आपने बॉटम में क्लिक करके अपनी इमेजेस वीडियोस जनरेट करनी है। तो मैं पर्सनली जो प्राइवेट वीडियोस जनरेट करना चाहता हूँ, तो पीका के नेम से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैसेज को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे हमारे पास पर्सनली जो इमेजेस वीडियोज़ होंगी वो हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लैश क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक रैंडमली कोई कमांड इंटर करनी है। मैं कोई प्रोफेशनल कमांड इंटर नहीं करूँगा, जस्ट रैंडमली एक नॉर्मल सी कमांड इंटर करूँगा और उसके बाद हम कोई एक वीडियो जनरेट करेंगे। तो मैंने कमांड इंटर करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हमारी वीडियो जो है जनरेट कर देगा। तो अभी हम वेट करते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। अगर आपने पब्लिकली मतलब के वीडियोस जनरेट करनी है, तो आप पहले वाले ऑप्शन में इनपुट बॉक्स में आपने स्लैश क्रिएट के नाम से जो कमांड देनी है वो सबको आपकी वीडियोस नज़र आएंगी। लेकिन हमने मैसेज के तौर पे मतलब अपने प्राइवेट वीडियोस जनरेट करनी है, अपने पर्सनल इनबॉक्स में वीडियोज़ जनरेट करनी है ताकि हम कभी भी उसे डाउनलोड कर सकें, तो उसके लिए आपको पीका की मैसेजेस में ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर जिस तरह मैंने ये ऑप्शन इनेबल किया है इसी तरह आपको भी इनेबल करके यहाँ पर पर्सनली कमांड देनी है और आपकी वीडियोज़ जनरेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल सी कमांड थी वो हमने इंटर की और यहाँ पे एक 3 सेकंड की जो वीडियो है वो जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको डिफरेंट कमांड इंटर करके बताऊंगा और बताऊंगा कि उसमें आप कौन कौन सी चेंजिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और वही कमांड मैं कॉपी करता हूँ। अब हम कमांड चेंज करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर भी इंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही कमांड लिखी, अब मैं कुछ और कमांड्स मतलब कि कुछ और फीचर ऐड करता हूँ और उसके बाद हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन कमांड में इंटर किए हैं।
तो यहाँ पे मैंने ग्रीन बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया ताकि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो। तो यहाँ पे अब मैं स्लैश जो है सॉरी डैश FPS 24 यहाँ पे 8 से 24 तक आप फ्रेम रेट ऐड कर सकते हैं। जितने फ्रेम रेट ज़्यादा होंगे आपकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। अब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट देता हूँ, यहाँ पे मुझे 16:9 सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लूँगा। ये दो पैरामीटर मैंने अपनी कमांड के साथ इंटर किए हैं तो अब हमारी जो वीडियो है वो उस लिहाज से जनरेट होगी। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ग्रीन जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन बैकग्राउंड है और वीडियो भी 19:16 है, ठीक है। तो फ्रेम पर सेकेंड भी 24 है तो आपने फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं 8 से 24 तक, ठीक है। तो अब मैं वही कमांड कॉपी करूंगा, अब मैं पैरामीटर चेंज करके दोबारा आपको शो करता हूं। तो इस दफ़ा मैंने वही क्रिएट सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैं वही कमांड पेस्ट करता हूं। अब इस दफ़ा मैं 9:16 सेलेक्ट करूंगा। आप फिर कोई और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो मैं अब दोबारा इंटर करता हूं, अभी देखते हैं कि किस तरह की वीडियो जनरेट होती है। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो जनरेट करना चाहते हैं रील्स और शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब के लिए तो उसके लिए आपने ये कमांड इंटर करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने कमांड इंटर किया उस लिहाज से ये वीडियो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसे प्ले करके टेस्ट कर सकते हैं, ये लिटिल बिट एनिमेशन है। आप पूरी कंप्लीट एनिमेशन कमांड दें तो उसके लिहाज से आपकी वीडियो जनरेट होगी। आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा कमांड दूंगा, इसके लिए मुझे दोबारा इंटर करनी होगी स्लैश। अब मैं दोबारा क्रिएट पे जाता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी इमेज को इंटर करना है और उस इमेज को मैंने एनिमेट करवाना है, ठीक है। तो मैं वही क्रिएट, सबसे पहले मैं क्रिएट ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी कमांड देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आउटसाइड में आपने सिलेक्ट करना है और इंटर करना है तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप ड्रैग भी इमेज कर सकते हैं और क्लिक करके कंप्यूटर में से इमेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने ड्रैग किया और इंटर कर दिया। अब देखते हैं कि उस इमेज में एनिमेशन क्रिएट होती है या नहीं होती। अभी हम वेट करते हैं। तो ये लें जी, वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी एनिमेशन कुछ बेहतर है या नहीं। तो हम इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने रफली एक कमांड इंटर किया, इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन जस्ट उसने एनिमेट इसे कर दिया, ठीक है। अब दोबारा प्ले करके चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक और कमांड इंटर करते हैं, उसके बाद इस दफ़ा मैं एनिमेट क्रिएट की बजाय मैं एनिमेट को सिलेक्ट करूंगा। ये ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपको इमेज इंटर करनी है, कोई कमांड इंटर नहीं करनी, आपने जस्ट इंटर करना है तो ऑटोमेटिकली ये AI के ज़रिए उसे एनिमेट कर देगा। तो अभी हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब इसे प्ले करके टेस्ट करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले से बेहतर है। आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, थम्स डाउन कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।